राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और महिला अपराध पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि दिल्ली में त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने भीड़भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और साथ ही ये भी कहा कि महिला अपराध पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए महिला पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिससे महिलाएं अपनी बात को अधिकारी के सामने आसानी से रख सकें। संवाददाता साहिल भामरे ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से खास बातचीत की है। दिल्ली के कई मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी। सीधा बातचीत करते हैं सर। मेरा पहला सवाल सर, फेस्टिवल सीजन चल रहा है और राजधानी आतंकियों के अलर्ट पर रहती है, क्या व्यवस्था है सर? देश की राजधानी है दिल्ली, सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा बनी रहती है, तो उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने काफ़ी उपाय किए हैं। पिछले 1.5-2 महीने से तैयारियां हैं ताकि फेस्टिवल सीज़न बहुत शांति से और अच्छे से निकल जाए और लोग बाग जो हैं वो बहुत अच्छे से फेस्टिवल सीज़न एंजॉय करें। तो सिक्योरिटी मेजर्स जितने भी हैं, चाहे वो एंटी टेररिस्ट मेजर्स हों या एंटी सोशल्स के खिलाफ जो एक्शंस हों या फिर पेट्रोलिंग हो, ये सब हम लोग बहुत प्लान्ड वे में कर रहे हैं। खास करके पीक आवर्स में ऑफिसर ओरिएंटेड पेट्रोलिंग होनी चाहिए, पुलिस का डोमिनेशन स्ट्रीट्स पे होना चाहिए, ये मैं ध्यान में रख के सारी स्ट्रैटेजी तय की गई है। और फील्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस दिखाई दे, हाजिर रहे, ताकि लोगों में एक सुरक्षा की भावना पैदा हो, इसको ध्यान में रख के सारे इंतज़ाम किए गए हैं। सब बाजारों में इस समय कोविड नियमों का भी पालन नहीं हो रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए एक अहम चुनौती बनती है कि लोगों से नियमों का पालन कराएं सर। ये दोनों चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से हो रहा है। इसमें दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। पुलिस की प्राथमिक जवाबदारी सिक्योरिटी की है, साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन कराने की है, वो दोनों चीज़ों के लिए ताकीद की गई है ताकि इस चीज़ का पालन हो सके। सर दिल्ली की बॉर्डर की तस्वीरें बदल चुकी हैं और दिल्ली पुलिस ने पहल कर बैरिकेडिंग हटाई है, लेकिन सर अभी भी जो रास्ता है वो पूरी आवाजाही नहीं हो पाई और अभी भी जो किसान नेता वहाँ पे मौजूद हैं सर। टिकरी बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे बैरिकेड्स हमने हटा दिए हैं और हमारी तरफ से ट्रैफिक के आवागमन में कोई इशू नहीं है। जहाँ तक हरियाणा या यूपी में जो टेंट्स या मंच लगे हुए हैं वहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड ज़रूर है, वहाँ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी बातचीत कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि धीमे धीमे सिचुएशन ट्रैफिक के लिहाज से नॉर्मल हो जाएगी। सर मेरा आखिरी सवाल सर, दिल्ली में महिला अपराध एक बड़ा मुद्दा है और आपकी आने के बाद सर 6 जिलों में महिला डीसीपी लगाए गए सर, इसके पीछे क्या मोटिव रहेगा सर? महिला और पुरुष में कोई फर्क नहीं होता है, महिला ऑफिसर हो या पुरुष ऑफिसर हो, पुलिसिंग दोनों को करनी है और महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। तो चूंकि हमारे पास महिला ऑफिसरों की संख्या ज़्यादा है तो उनको चांस दिया गया है, उनको लगाया गया है, खास करके ऐसे एरिया में जहाँ पे महिला ऑफिसर होने से हम लोगों को आसानी हो, पब्लिक को आसानी हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जितने ऑफिसर्स लगाए गए हैं ये पूरे जोश के साथ काम करेंगे और दूसरे ऑफिसर्स जो मेल ऑफिसर्स हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी मिल के एज ए टीम हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि दिल्ली की जनता के लिए हम एक अच्छी पुलिसिंग दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना खुद, जिन्होंने बताया कि इस समय फेस्टिवल सीजन चल रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से जो इंतजाम है राजधानी दिल्ली में और ज़्यादा पुख्ता कर दी है। बाकायदा जो दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो भी इलाके में जाकर फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश चंद्रा के साथ साहिल भामरी, टोटल न्यूज़ दिल्ली।